सीधा सवाल त्यागी जी से, त्यागी जी आप सेकंड करेंगे यहाँ पर। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों क्यों 370 के नाम पर जो दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो महिलाओं के नाम से डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो देश के कानून वहां नहीं लागू होते थे, अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है तो फिर ये चिल्ला क्यों रहे? इनका चिल्लाना गलत है और जो कपिल जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विरोध जिन्हें करना है करें। मेरा ये कहना है कि श्रीमती महबूबा जी ये कहती हैं कि लोग जो युवा हैं वो बंदूक ना उठाएं तो क्या करें, वो ये कहती हैं कि मैं तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी, और फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं कि 370 को वापस लाने के लिए हम चीन की मदद लेंगे, और फिर वो ये भी कहते हैं कि कश्मीर के लोग चीन के साथ रहना पसंद करेंगे। हमको ये किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है, और अगर ये वही लोग ना होते जो 370 के हटने से पहले ये कहते थे कि POK हिंदुस्तान के बाप का नहीं है, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि ये जो पत्थरबाज हैं ये तो इंटेलिजेंट निर्दोष बच्चे हैं, और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मुसलमानों की तादाद बढ़ चुकी है, लिहाजा इस देश में एक विभाजन और होना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप आज के सिपाही को 1947 का सिपाही मत समझो, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कौन नेता क्या कह रहा है। कल्पना कीजिए कि अगर उस सिपाही के दिमाग में ये आ गया कि क्या हम ऐसे देशद्रोहियों के लिए बलिदान दें, कल्पना कीजिए कि अगर किसी सिपाही की बंदूक का मुंह इनकी तरफ हो गया तो क्या सिचुएशन होगी। ये देशद्रोह है सीधे सीधे, और मैं तो ये चाहूंगा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, देशद्रोह एक्शन लिया जाना चाहिए।